क्वेश्चन बनता है कि परागण और निषेचन में क्या अंतर है, परागण और निषेचन में क्या अंतर है, ये आपकी बुक में सब आप देखो आराम से समझ जाओगे। पराग कोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ये आपको क्लियर हो गया, पराग कोष ये थे, यहाँ से कहाँ गया, वर्तिकाग्र में आ गया। वर्तिकाग्र कहाँ है, निषेचन में है, यहाँ तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी, परागण। अब निषेचन, नर और मादा जनन इकाइयां मींस गैमेट्स, ठीक है। जब ये परागण वर्तिकाग्र में आगे जाके वर्तिका से होते हुए अंडज से क्या करता है, मिलता है, तो इसे हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। गुण बनता है निषेचन, जिसमें नर और मादा दोनों के क्या रहते हैं, गुण रहते हैं, ठीक है। परागण के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, जल, कीट, इनके माध्यम से परागण आते हैं, परागण होता है। भाई यहाँ ऑटोमेटिक तो परागकण पहुंचेंगे नहीं, या तो वायु के माध्यम से उड़ के आएंगे, ठीक है, या तो कोई कीट बैठा यहाँ पे उसके उस नंगों में आ गया और वो यहाँ आके बैठ गया तो उधर आ गया, या तो पानी, पानी वाली के माध्यम से उड़ के जैसे भी आ गया तो परागण होता है। इसके मीन्स माध्यम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन निषेचन के लिए किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं पड़ती है, परागकण अगर यहाँ आया तो ऑब्वियसली वो इससे मिलेगा और निषेचन हो जाएगा। निषेचन केवल इसकी बात नहीं कर रही हूँ, पुष्पों की बात नहीं कर रही, पुष्पों में तो होता ही है, लेकिन लैंगिक जनन में जब हम नर और मादा जनन में जो गैमेट्स होते हैं जब वो आपस में मिलते हैं तब भी क्या बनते हैं, तब भी उस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। जनन में आपको मैंने बताया था, अभी हम उसको डिटेल पढ़ेंगे, अभी हम पुष्प की बात कर रहे हैं। फिर एक और अंतर है, यह एक बाह्य क्रिया है, पराग कण का वर्तिकाग्र तक आना बाह्य क्रिया है, कुछ ऐसा हो रहा है कि अंदर जा रहा है, बस बाहर आके बैठ गया चिपक गया वर्तिकाग्र से, लेकिन ये बाह्य क्रिया है। और ये जो है निषेचन, ये इसके अंदर बीजांड जो है ना, बीज के अंदर ये जो अंडे है इसमें से जब वो फर्टाइल होता है तो ये अंदर हो रही है क्रिया, वो पता नहीं चलता, लेकिन ये आंतरिक क्रिया है। क्या है ये, परागण जब थी बाह्य क्रिया, ठीक है। अब आप इसके माध्यम से आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या लिखा है, अब आपको याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परागण और निषेचन के अंदर, स्वपरागण पर परागण के अंदर, और भी आएंगे बीच बीच में, लैंगिक और लैंगिक चरण में अंतर, ये सारे अंतर इम्पोर्टेंट है, टिक लगा लेना, ठीक है। स्वपरागण परपरागण भी हो गया, हाँ स्वपरागण परपरागण भी बताया अभी, है ना। अब स्वपरागण और परपरागण बता देते हैं। स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, द्विलिंगी आपको मैंने बता दिया, ये द्विलिंगी पुष्प का एग्जाम्पल बताया, दोनों लिंग है इसमें, स्त्री के सर भी पुरुष के सर भी है। परपरागण में द्विलिंगी या एकलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में परपरागण हो जाता है, मालूम है क्यों, क्योंकि अगर वो परपरागण ही तो हो भाई, अगर मान लो यहाँ पर भी है एक ही पुष्प में अगर कैंसर है भी, पुंकेसर है भी, तो उसको परागण को जाने के लिए उसको परपरागण ही होगा ना भाई, किसी भी माध्यम से ही जाएगा ना वो, ऐसे थोड़ा कि ऐसे ले लेगा बेचारा, वो तो अपनी जगह में ही है तो माध्यम, तो परपरागण द्विलिंगी में भी हो सकता है और एकलिंगी में भी, ठीक है। लेकिन स्वपरागण एक ही जगह होगा, मतलब एक ही प्रॉब्लम है, द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए। नर मादा भाग, नर और मादा का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक होता है स्वपरागण में। भाई अभी ये जो है स्वपरागण हो रहा है, एक द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है, दोनों की जगह साथ में विकसित होगी तभी तो स्वपरागण हो पाएगा ना भाई, दोनों की वृद्धि जरूरी है कि नहीं, हाँ। पराग कणों का वगैरह निर्माण होना पराग कोष में वो जरूरी है कि नहीं, उसी तरह से अंडे का निर्माण होना जरूरी है कि नहीं, अब वो छोटा सा मान लो कोई गली है तो उसमें सब चीज़ थोड़े ना डेवलप होगी, वो तो पुष्प जब बनेगा तब उसमें सारी चीज़ें होगी। फिर इसके बाद स्वपरागण के लिए पुष्प आकर्षणहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं, अगर एक ही पुष्प में स्वपरागण हो रहा है तो उनको जरूरत नहीं पड़ती वो किसी कीट को बुलाने के लिए अपने आप को अट्रैक्टिव बनाए, तैयार करें या कुछ परफ्यूम डालें, जरूरत नहीं है क्योंकि उनका वहीं पर सब चीज़ें प्रबंध है तो उनको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर दूसरे पुष्प से उसको परागण लाना है तो भाई स्त्री केसर का जो वर्तिका जो फ्लावर होगा, जो वो फ्लावर होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, कलरफुल होगा, अच्छा उसमें खुशबू आएगी ताकि कीट अट्रैक्ट होकर वहाँ पर आए और वहाँ पर यहाँ वहाँ से परागकण लेकर और इधर पर दें, कहाँ पर
जैसे हम लोग कहीं जाते हैं पार्टी वार्टी में तो हमको लगता है कि हमको सब लोग देखें तो उन सब लोगों से थोड़ा बात करें, अच्छा लगता है ना। ऐसे तो कैसे जोड़ के चले लेकिन घर में कैसे नहीं पहन ले, कोई ऐसा नहीं रहता है। घर में हम घर के कपड़े पहन लेते हैं, उतना अच्छे से तैयार नहीं होते, नॉर्मल रहते हैं। लेकिन अगर कहीं पार्टी में जाना हो अपने आप को आकर्षक बनाते कि नहीं, क्योंकि चार लोग हम देखते है ना, तो हमको अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। वैसे ही प्रॉब्लम भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अट्रैक्टिव नहीं रहेगा तो इसके पास फिर आएगा कौन। तो समझ में आएगा इसका कारण। अब स्वाव बनाने में बाह्य जो माध्यम होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहीं की वहीं सब मिल जाता है। तो लेकिन अगर पर परागण है तो उसके लिए तो की वायु या जल किसी भी माध्यम से वहां से लेके आएगा, परागण आएंगे ना, तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती है। अब ये आप चार पांच पॉइंट याद कर लोगे, आपको आराम से अभी ही याद हो गया होगा, घर में जाके इसको रट लेना। चलो टिक लगाओ, स्वाव परागण पर परागण में अंतर। अच्छा मैं इसके क्वेश्चन बाद में करवा दूंगी, दिखा दूंगी, है ना। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर, अब लैंगिक अलैंगिक जनन में भी एक बार बता देती हूँ मैं अंतर। इसमें केवल एक जनन भाग लेता है, किसमें अलैंगिक में, और लैंगिक में एक नर और एक मादा। इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते हैं, अलैंगिक में युग्मक नहीं बनते हैं, युग्मक या नहीं होता है गैमेट, वो नहीं बनते हैं, जबकि इसमें होते हैं। इसमें जो होंगे वो इसमें नहीं होगा, बस एक याद कर लो कि दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इस प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता है, जिसमें अलैंगिक जनन में कल हुआ था कि पढ़ाया नहीं हुआ मगर यहाँ हुआ, ये लैंगिक है। इस प्रक्रिया में युग्मक नहीं बनते भाई, जब निषेचन होगा तो डायगोट बनेगा ना, भ्रूण बनेगा ना, तो इसे क्या इसमें युग्मक बनता है, ठीक है। युग्मक यानी जब दो गैमेट आपस में मिलते हैं, नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, तो जो चीज बनती है उसे हम बोलते हैं युग्मनज। Yeah.